प्याज देखें इस तरह से मैंने ब्राउन कर ली है और उसमें साथ ही मैंने चिकन डाल दी है ताकि प्याज जल ना जाए। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, हल्का हल्का ब्राउन और थोड़ा सा वाइट छोड़ दिया मैंने। मैं चिकन ऐड कर दी, तकरीबन 5 मिनट इसको फ्राई करके फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। आज मैंने थोड़ी तेज ही रखी है ताकि जल्दी से ये फ्राई हो जाए। चिकन क्योंकि अपना पानी भी छोड़ती है तो मैं ज़रा उसको ड्राई करने की कोशिश कर रही हूँ अच्छे से। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाले ऐड करेंगे। इस तरह फ्राई करने से ये होगा कि आपको प्याज को ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने प्याज को बड़ा बारीक काटा था ताकि ये इसी में पकने में घुल जाए। चिकन को फ्राई कर लिया, मैं इसमें अदरक लहसुन ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हम नमक तो हम पहले से डाल चुके हैं, अब इसमें मिर्च और हल्दी ऐड करनी है। इसमें डाल दें लाल मिर्चें तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा सा ऊपर मैंने दिया है लाल मिर्चें, बिल्कुल चटकी के बराबर इसमें हल्दी डलेगी। तो मैंने सब चीज़ों को मिक्स कर दिया है, अब इसको बिल्कुल हल्की आँच में मैं इसको भुनने रखूँगी, तो भुनाई होने देंगे थोड़ा सा ढककर ताकि उसमें चिकन थोड़ी गल भी जाए और इसका मसाला भी पूरा अच्छे तरीके से मिक्स होकर पक जाए। दरमियानी आंच रखनी है, दरमियान से बल्कि थोड़ी कम ही रखें क्योंकि नीचे से मसाला ना लग जाए इसका, तो इसको थोड़ी देर पकने देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और दही ऐड करके इसको हम पकने देंगे। मैं अब मैं तकरीबन ये मैंने 1 पाव दही लिया है, ये इस पर ऐड कर देंगे। दही डाल दिया है, पानी डालती मैंने फ़ौरन दही डाली थी उससे ये दही फटता नहीं है, अगर आप गरम उसमें डालेंगे तो दही फट जाता है, तो मैंने पानी के साथ ही फ़ौरन दही डाल दिया है। और अब मैं इसको थोड़ी दरमियानी आँच पे ढक कर पकने दूंगी। इसमें चिकन में जो कसर रही होगी वो भी ख़त्म हो कम्प्लीट हो जाएगी पूरी और ये सालन भी पक जाएगा।